तुम्हारे देश में कोई भी सूरवीर है तो आके वो मुझसे लड़े, कोई भी अगर सूरवीर है तो आकर मुझसे लड़े। पूरे देश को चैलेंज कर रहा है। पता क्या, वहां से दाऊद नाम का एक लड़का, 17-18 साल का एक लड़का सामने आकर बोलता है, मैं इस गोलियात को मार गिराऊंगा। हालेलुया। उसने बोला मैं इस गोलियात को मार गिराऊंगा क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। मेरे साथ कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। और वो गया, उसको गोफन चलाना आता था। सुनिए बड़े ध्यान से, मैं कोई भी कहानी यहाँ पर आपको सिर्फ खुश करने के लिए नहीं बताता, उसका एक अर्थ होता है। हालेलुया। उसने क्या किया, गोफन, उसको गोफन ही घुमाना आता था और कोई काम नहीं आता था। सुने, गोफन घुमाया और फेंका, लिखा हुआ है सीधा जाकर उसके माथे पर लगा और वो गिर कर मर गया। उसके सर को काट कर, गोलियात के सर को, जो आज तक इसराइल के खिलाफ बोलता था, परमेश्वर के खिलाफ बोलता था, उसका सर काट कर वो लोगों के सामने दिखाने लगा। बोला देखो, जो हमारे देश के विरोध खड़ा होकर हमें ललकार रहा था, आज वो मर चुका है। हालेलुया। दाऊद को गोफन घुमाना आता था। आपको और मुझे क्या आता है? हमें शायद, हम अलग अलग जॉब में हैं, मैं पास्टर हूं, है ना, मैं टीचिंग करता हूं, अलग अलग कॉलेजेस में जाके टीचिंग करता हूं। अगर मैं इस काम को ईमानदारी के साथ अपने देश के फायदे के लिए और अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा, मेरा देश आगे बढ़ेगा। समझने वाले आगे बोलिए हालेलुया। आप जो भी है, आप जिस भी किसी काम में है, आप जो भी व्यवसाय करते हैं, कुछ भी आपका प्रोफेशन कोई भी हो, मायने नहीं रखता, लेकिन जब आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से करोगे, मैं आपको बताता हूं, आपका काम शायद गोफन घुमाने जैसा साधारण सा लगेगा। जब वो युद्ध करने जा रहा था ना, दाऊद जब युद्ध करने जा रहा था, साउल ने बोला तलवार लेकर जा, दाऊद ने बोला मुझे तलवार चलानी। आप लोग बोल सकते हैं मैं कोई मोदी जी थोड़ी ना हूं जो मैं जाकर देश के लिए कुछ फायदा करूं। आप लोग बोल सकते हैं कि मैं क्या बोलते हैं केजरीवाल जी थोड़ी ना हूं जो दिल्ली के लिए कुछ फायदा करूं। प्रभु बोल रहे हैं, मेरे प्यारे बेटो, मेरी प्यारी बेटियों, आप जो कर सकते हो, हालेलुया, आप जो कर सकते हो वो अच्छे से ईमानदारी के साथ करो, आपके देश का कल्याण मैं करूंगा। हालेलुया। यस, मैं तुम्हारे देश का कल्याण करूंगा। एक वचन हम पढ़ेंगे, बहुत खास वचन है, रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 16 वचन। कोई जना मेरे लिए पढ़े प्लीज, रूत 8वीं पुस्तक है बाइबल की। जल्दी से निकालेंगे, रूत 1:16। रूत बोली, हाँ, अपनी सासू माँ से बोली, तू ये मुझसे विनती ना कर, हाँ, मुझे त्याग या मुझे छोड़ दे। आगे आगे लौट जा, हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं संक्षिप्त में आपको सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक बूढ़ी औरत है, उसका नाम है नौमी, है ना, उसके उसका पति गुजर चुका है, विधवा औरत है, उसके दो जवान बेटे, उन दोनों जवान बेटों की शादी होती है, ठीक है, उन दोनों जवान बेटों की शादी होती है, एक का नाम है ओपरा और दूसरे का नाम है रूथ। ये दो क्या बोलते हैं, बहुए हैं। अब क्या हुआ, जब शादी होकर कुछ साल तक साथ रहे, उसके बाद दोनों बेटे भी मर गए, नौमी के दोनों बेटे मर गए, ठीक है। अब ये दोनों बहुए और विधवा सासू मारे रहे, ऐसी अवस्था में क्या बोलोगे आप, ये घर तो नसूर में है, क्या बोलते हैं, सॉरी, ये घर, ये देश, इनका परमेश्वर, इनका कुटुंब सब क्या है, क्या बोलता हो, सब बेकार है, इधर से मुझे भाग जाना चाहिए, है ना, हम सब ऐसे बोले, इधर से हम भाग जाएंगे। नौमी ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया, बोला देखो मैं इतनी बूढ़ी हूं कि मुझसे तुम्हारे कोई फायदा नहीं है, मेरे साथ रहोगे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तुम दोनों अपने अपने देश चले जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, शादी करो, अपने अपने पतियों के साथ खुश रहो, मेरे साथ रहोगे कोई फायदा नहीं है। बड़ी जेठानी उठी,
लिखा हुआ है जेठानी, जेठानी वर्ड वहां पर है। जेठानी उठी, बोली मैं भी यही सोच रही थी, मतलब ये मन की बात है, बाहर नहीं है। वो गई, नौमी को चुमा, बड़ा धन्यवाद आपने अच्छी बात बताई है, और वो चली गई, बड़ी चली गई। दूसरी जो रूथ है, रूथ ने आकर पता क्या बोला, नौमी से बोला मुझे अपने आप को छोड़ने और अपने आप को त्यागने के बारे में बात मत करना, मैं यही रहूंगी। मेरी शादी इस घर से हुई है, मेरी शादी इस देश से हुई है, मेरी शादी इस जगह से हुई है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो शादी है ना, एक रिश्ता है, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के साथ आपका और मेरा एक रिश्ता है। परेशानियां आएंगी देश के साथ रहते हुए, there might be lot of difficulties in your nation, आपके देश में कई परेशानियां, लेकिन रिश्ता जो निभाना चाहता है ना, वो कभी पीठ नहीं दिखाता। जो रिश्ता निभाना चाहता है, वो कभी पलट कर बोलता नहीं है मेरा देश बुरा है, कभी ये नहीं बोलता। यस ऑफ कोर्स अंडर डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कमियां आपकी नजरों में आएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा देश परफेक्ट है, इसको बनने में और इसका निर्माण होने में 75 साल हो गए हुए आजादी के, और मुझे यकीन है आने वाले कुछ और सालों में हमारा देश सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जाएगा। हालेलुया, ऑलरेडी वो है, ऐसा नहीं है पिछड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में परमेश्वर इसे और ऊंचा उठाएगा। लेकिन हमारा जो कमिटमेंट अपने देश के साथ है, हमारा जो रिश्ता अपने देश के साथ है, पता है रूथ ने क्या बोला? रूथ ने बोला तेरा नगर मेरा नगर होगा, तेरा देश मेरा देश होगा, तेरा परमेश्वर मेरा देश परमेश्वर होगा। उसका अगला वचन 17वें में जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, बोलती है जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं इस जगह को छोड़कर जाऊंगी नहीं। हालेलुया बोल दीजिए, हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, देश के साथ आपका एक रिश्ता है। पता है नसूम क्या मनुष्य, मेरी शादी कहां हो गई? मनुष्य जगह पर हो गई, बेकार जगह, सब कुछ यहां बेकार है, मैं वापस जाना चाहती हूं। ऐसे विचार आते हैं ना, लेकिन उसने बोला नहीं मैं यही रहूंगी, मैं आपके साथ आपकी सेवा करूंगी। और पता क्या किया, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने उस जगह पर नौमी को एक बहुत ऊंचे स्थान पर उठा दिया। हालेलुया, उसने बोला मैं खेत में जाकर, जो खेत में खेती बाड़ी करते ना कटनी के समय, तो कुछ अनाज गिर जाता है, तो ऐसे गरीब लोग जाकर क्या करते हैं, वो अनाज उठा लेते हैं। मुआज नाम का एक व्यक्ति था, तो वो उसने देखा, बोला ये जो औरतें आ रही है सबको तो मैं पहचानता हूँ, क्योंकि सब हमारे ही जगह की है, ये कोई नई औरत है, ये कौन है? तो उसके सेवक ने बताया ये नौमी की बहू है, है ना, इसके घर में जो सारे मर्द जो है वो लोग गुजर गए हैं, तो लेकिन ये इसको छोड़कर नहीं गई, ये हमारे देश के भरोसे, हमारे जगह के भरोसे यहीं पर रह रही है। हालेलुया। तो पता है मुआज ने क्या बोला, बोला थोड़ा अनाज जानबूझकर ज्यादा गिरा देना, सुनिए, थोड़ा अनाज जानबूझकर ज्यादा गिरा देना, ताकि वो स्त्री जो हमारे देश के भरोसे, हमारे गांव के भरोसे, हमारे भरोसे है, वो भूखी ना सोने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और आगे जाकर देखते हैं कि उसी व्यक्ति से रूथ की शादी होती है, और रूथ को परमेश्वर ने एक बहुत बेहतरीन दर्जा दिया, बहुत आशीष स्थान पर उसको ऊंचा उठाया, और परमेश्वर ने उसका गौरव बढ़ा दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसके जीवन में इतनी आशीष देकर उसे आगे बढ़ाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जिस जगह पर आप है, जिस परिस्थिति में आप है, वो शायद बेकार है, शायद वो अच्छा नहीं दिखता, उसको आप बेकार मानते हैं, लगता होगा कि ये जगह तो बहुत बेकार जगह है जहां मैं रहता हूं, है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, विश्वास योग्यता के साथ वहां रहिए, आपके वहां रहने के कारण प्रभु का वचन कहता है तुम कुशल के लिए कोशिश करो, खुशल के लिए प्रार्थना करो, आपका परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपिया नाम की एक जगह है, ठीक है, आई विल फिनिश इट बाय 130, फिलिपिया नाम की एक जगह है, वहां पर बहुत साल पहले की एक सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। रात को 5-6 बजे के बाद बहुत अंधेरा हो जाता था, और अंधेरा होने के कारण लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, चोर लोग चोरी करते थे, बहुत सारी असुरक्षा की स्थिति हो गई थी। तो पंचायत में जब लोग सारे बैठे, उन्होंने आपस में बात किया
एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। बोलते क्या आइडिया है? बोला कि हम लालटेन जो होता है उसमें केरोसिन डालकर है ना, मिट्टी का तेल डालकर उसे हम क्या करेंगे, अपने फिलाडेल्फिया की जगह पर अलग अलग जगहों पर लटकाएंगे। सुनिए, अलग अलग जगहों पर लटकाएंगे जिससे क्या होगी, रोशनी होगी और लोग जो है डरेंगे नहीं, लोगों को सुरक्षित महसूस होगा। सबने बोला हमारे पास इतना बजट नहीं है, ये क्या बेहुदा बेकार आइडिया है, तुम्हारे इस आइडिया से क्या फायदा होगा। हाँ, बोला कि लाल टैंक खरीदो, फिर मिट्टी का तेल खरीदो, बेकार में बाहर जलाओ, इससे क्या फायदा, इससे अच्छा सबको बोला अपना अपना सोएंगे रात में। इस आदमी ने क्या किया बताया, बोला मेरा आइडिया अच्छा है, ये मुझे पता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अपनी सैलरी में से कुछ पैसा बचाऊंगा और उसे एक लालटेन खरीदूंगा और उसमें मिट्टी का तेल डालूंगा और